오 마이 갓. 너희 뭐냐? 우와! ये कोई मूर्खा खोर जानवर है, ठीक है? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल भाई दोनों भाइयों के चैनल पर यार। बिल्कुल भाई, पांडे जी और आर्केस्ट्री पर। और हम दोनों भाई आज खड़े हैं एक मोस्ट हॉन्टेड महल के अंदर, जहां पर मैं पहले भी विजिट करके जा चुका हूं। और आज भाई मेरे साथ में स्पेशल अमित भाई को लेके आया हूं। भाई जो भी वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो पांडे जी को सर्च करें यूट्यूब के ऊपर और उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ये स्पेशल रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के आप सभी से, क्योंकि आपके लिए, आपके प्यार के लिए इतनी मेहनत करते हैं यार रात दिन, ठीक है? ऐसी ऐसी लोकेशनों पर आते हैं ना, जहाँ पे दिन में भी कोई आने से ना 10 बार सोचता है कि भाई वहां पे जाए नहीं जाए। बिल्कुल भाई, ठीक है। हाँ, और आज जहां पर हम खड़े हैं वहां पर मैं पहले विजिट करके जा चुका हूँ, मैंने पहले ही बता दिया आपको। और यहाँ पर आने का एक ही मकसद है कि यार मैं अमित भाई को लेके आ सकूं। प्रोग्राम चल रहे थे नीचे, एक तो है ना, एक हल्का सा साउंड की आवाज आ रही होगी आपको, जहां पर प्रोग्राम चल रहा है आई थिंक गाने की वॉइस आ रही होगी, ठीक है? उसको करना इग्नोर, और जो मैं बोल रहा हूँ भाई उस पर कॉन्सेंट्रेट करना पूरा, कि मैं क्या बता रहा हूँ इस जगह के बारे में। स्पेशल वापस रिक्वेस्ट है आप सभी, क्योंकि भाई जब तक आप कहानी नहीं सुनोगे, यहाँ की स्टोरी नहीं पता चलेगी ना, तब तक आप लोगों को यहाँ की वीडियो देखने का मतलब ही समझ में नहीं आएगा कि क्या आप देख रहे हो क्या नहीं है, कुछ समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। और भाई एक और चीज, कैमरा रख रखा है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ भाई थोड़ा सा व्यू आ रहा होगा छत का, ये देखो है ना, छत का व्यू आ रहा है ना पूरा। तो भाई कैमरा नीचे रख रखा है, ठीक है? हमारे साथ में कोई कैमरामैन नहीं है, लाइट रख रखी है नीचे। अभी जैसे कैमरा उठाएंगे ना, लाइट दिखाएंगे भाई, लाइट कहाँ पे पड़ी है। और भाई कैमरा क्यों रखा है नीचे, उसके पीछे की रीजन बता दो कि हालांकि हम 3-4 भाई साथ में हैं, लेकिन रात के ना तकरीबन 2 बज रहे हैं भाई। किसी की हिम्मत नहीं थी कि इतनी रात में ना, एक तो नींद अपनी खराब करके और इतनी रात में किसी लोकेशन पर आए। तो रई भाई को मैंने इंसिस्ट किया था कि रई भाई आप ना मेरे को एक बार इस लोकेशन पर लेके चलो। रई भाई भी बोल रहे थे यार, रई भाई अमित भाई इतनी रात में उस लोकेशन पे जाना पता नहीं सेफ रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी इन्होंने बोला कि चलो ठीक है अमित भाई आप बोल रहे हो तो मैं आपको लेके चलता हूँ, वहाँ पे विजिट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या भाई लोकेशन। थोड़ा सा तो है ना ड्रामा ही माहौल है, बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल। और है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि लोकेशन पे आना मतलब हाइट के ऊपर, क्योंकि महल है तो आई थिंक हाइट के ऊपर है, पहाड़ के ऊपर। और भाई यहाँ पर चढ़ाई करने का मामला ये है कि पीछे की तरफ ये कौन है, पीछे की तरफ ये लगा हुआ है शटर, ये देखो लोहे का शटर लगा हुआ है भाई, दिख रहा है ना ये पूरा भाई, यहाँ पर लोहे का शटर लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर एक तो होता है रात को ये बंद, फिर भी आज स्पेशल गार्ड को बोलकर ये हमने बोला था कि हम 12 बजे आए थे तो ओपन था ये, और अभी भी ओपन है। वापस मैं अमित भाई को लेके आया हूँ, तब उस पर फोन किया था हमने कि भाई हम आ रहे हैं। रुको रुको रुको, भाई ये साउंड की आवाज नहीं, जो अलग से वॉइस आई ना वो थोड़ी अजीब सी थी भाई। अमित भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, कैमरा उठाते हैं चलते हैं एक बार, क्या बोल सीन दिखाते हैं, है ना भाई? फटाफट वीडियो शेयर कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक जरूर मार देना। स्टोरी आपको चलते चलते बता देंगे, जो भी स्टोरी है यहाँ की भाई, ना स्टोरी एक 2 मिनट लगेंगे क्लियर कर देते हैं, ठीक है? चलो स्टोरी बता भाई। यहाँ पर 4 लोग एक लड़की को, आई थिंक एक लड़की के साथ में बहुत गलत काम किया था, ठीक है? मतलब उसके साथ दुष्कर्म किया था ये बोल सकते हो आप, एक मान के चलो इंसानियत को समझार करने वाली घटना थी यार, ठीक है? मतलब ऐसा हर कोई नहीं सोचता, जो दरिंदगी से हद पार कर जाते हैं ना वही लोग सोचते हैं कि उनको कुछ नहीं दिखता सामने यार हवस के अलावा, ठीक है? मतलब ये बोल सकते हो रवि भाई कि जो ना एक नशे की चरण सीमा पार कर जाते हैं ना भाई, चरसी बोल सकते हैं उनको, चरसी हाँ, ड्रिंकर बोल दो, शराब के नशे में बोल दो, कुछ भी एक्स वाई जेड।
तो ऐसा कुछ किया था और उनका जो रेप करके आई थिंक बलात्कार करके यहीं पर डाल दिया उसको, ठीक है, उस लड़की को। और सोच कर ही यार रुक दिल हिल जाता है यार, ठीक है, कि ऐसे खंडर के अंदर उस लड़की के साथ में ना कोई बचाने वाला, ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि उस लड़की की आत्मा को शांति दें और अपने पवित्र चरणों में उनका स्थान दें, ठीक है भाई। बाकी भाई यहाँ से निकलते हैं आपके प्यार के लिए और उस लड़की से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ उसके साथ में, जो मेरी बहन थी उनके साथ में क्या क्या हुआ और अब वो क्या चाहती हैं। अमित भाई कैमरा उठो, लाइट लो, फटाफट लाइट लो। कौन है? देखो आप मेरी बहन गई। यहाँ पर अभी किसी रुको, टाइम दिखो भाई, ये देखो एक बज रहे भाई, एक बज रहे भाई रात के। देखो आप मेरी बहन जैसे हो, ठीक है, और मैं आपकी इज्जत करता हूँ और आपके साथ में जो हुआ मैं मानता हूँ कि आपके साथ में बहुत गलत हुआ, ठीक है। कौन था यहाँ पे? मैं मानता हूँ आपके साथ में बहुत गलत हुआ, तो मतलब ये आवाज जो अपने को दिखा था अमित भाई यहाँ पर ऐसा ऊपर से कोई लटका हुआ था हवा के अंदर इस जगह पर, ठीक है, मतलब जो भी चीज है ऊपर है, शायद क्या बोलते हो ऊपर चले या नीचे की तरफ देखा ना है, हो सकता है कि जो उन लड़कों ने किया हो उसके साथ में, ठीक है, वो तहखाने में किया हो। चलते हैं एक बार, मतलब देखो यार एक चीज होती है, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा एविडेंस या सबूत, ठीक है, वहां पर रह जाता है, ठीक है, ताकि हम उस चीज को देख सकें, परख सकें। बिल्कुल भाई, किसी के पैरों की आवाज, अंदर किसी के पैरों की आवाज, कोई है यहाँ पर? उधर करना, कोई है यहाँ पर? अमित देवी चले क्या इसके अंदर? ये तो गुफा सी लग रही है, चले क्या बोलते हो? ओ आजो, लाइट पकड़ो, आराम से आना भाई, आराम से आना, ये रास्ता बंद है इस तरफ, आराम से आना। भाई चमकादड़ की बहुत गंदी स्मेल, ये देखो ये इसका मल है, ये वाला जो ये भाई पूरा देखना कीड़ा निकल रहा है यहाँ से। ऊपर लाइट करना, रोने की आवाज भाई अंदर से आ रही है क्या? लाइट लो, किसी की रोने की आवाज है भाई, एक गुफा के अंदर हम लोग। कौन है भाई? देखे बहन, भाई अमित भाई एक चीज नोटिस करो, क्या यहाँ पर ये गड्ढा हो रखा है, है ना, ठीक है, पीछे देखो, यहाँ पर अगर ये गड्ढा हो रखा है तो क्यों, कहीं यहीं पर उसकी लाश वगैरह दफन तो नहीं कर रखी भाई? कोई तो वजह रही होगी यहाँ पर, है ना, गड्ढा करने की है। लाश दफन, ये देखो पत्थर निकल रहे हैं यहाँ से, है ना, ठीक है, लाश दफन करी हो सकती है यहाँ पर भाई, थोड़ी सी स्मेल भी हो जाएगी, क्योंकि इसका स्पेस भी देखो ऐसा लग रहा है कि तकरीबन 5 से 6 फीट के आसपास। हाँ आराम से, आराम से, रुको 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 रुको, ओ भाई ये भाई हड्डी है, ये देख लो भाई, मां कसम बोल रहा हूँ ये हड्डी है, अगर कोई बोल दे ना कि हड्डी नहीं है, ठीक है, देखो भाई काम करना छोड़ दूंगा भाई मैं, ये हड्डी है भाई देखो। अरे भाई पक्का उसकी लाश को, रुको रुको अमित भाई रुको,
रखो इसको, रखते हैं साइड में, ठीक है। ओ, ओ एक मिनट एक मिनट रही भाई, ये देखो ये देखो। ओ भाई अब बोलो, अब बोलो भाई। अमित भाई ये मेरे पास की है, ये हाथों की है? नहीं, ये पैरों की हड्डी है, जो घुटने का जॉइंट होता है ना, हाँ हाँ हाँ, वहां की। देखो भाई हाथ की हड्डी, ये कंफर्म है हाथ की हड्डी। लो एक मिनट, ये लो ये लो। और कितने सबूत चाहिए यार? रुको भाई साहब रुको, ये लो रुको, इसको अमित भाई इसको जमाने की कोशिश करते हैं। रुको हाँ। रुक जाओ, पीछे टो पीछे टो, कैमरा लेके पीछे टो, रुक जाओ। आपके पैरों में और होंगे, ये कीरा रुक जाओ, ये देखो रही भाई। रुक जाओ, आवाज अभी भी आ रही है, आवाज आ रही है मेरे को, दिख रहा है भाई साहब। रुक जाओ, हड्डियां निकालने दो, हड्डियां निकालने दो अमित भाई। भाई साहब, भाई रही भाई, मैंने कसम से अपनी जिंदगी में, ओ ओ ओ भाई साहब, ओ तेरी, ये तो पूरी हड्डियां निकल आई। दोस्तों अब इस चीज के बारे में बोलना कि भाई ये चीजें आप गलत दिखा रहे हो। अमित भाई स्कल से देखो, सिर का स्कल। एक मिनट में भी कोशिश करता हूँ। अमित भाई सिर का स्कल से देखो, रुको 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 रुको, ये रही हाँ। रुको एक ये रही हाँ, ये रही ये देखो ये गुर्दे की है भाई साहब, ये दोनों है ना, ये देखो ये जो है ना, ये गुर्दे हैं, ठीक है। कैमरे में दिखाओ रही भाई एक बार। लो भाई साहब ठीक है, एक चीज बता दूं मैं आपको, जैसा कि मैंने बोला था कि भाई हम उस चीज को पूरा कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश करते हैं, उस चीज को ढूंढा ना मुंह का, वो नहीं मिला अभी तक, ठीक है भाई, ठीक। और सारी हड्डियां, आई थिंक एक और चीज, जो रीढ़ की हड्डी होती है ना अपने भाई, रीढ़ की हड्डी वो नहीं मिली, ठीक है? है वो नहीं मिली है, ठीक है। बाकी सारी हड्डियों का पता लगा लिया है और पूरी हड्डियां यही पर दफन है। और भाई एक और मैं जहां तक जानता हूं अमित भाई, ये हाँ। देखो भाई ये जो हड्डियां हैं, ठीक है, तरीके से अमित भाई कैमरा लेके आओ, ठीक है, ये ठीक है, उंगलियों की पसलियों की, ठीक है, ये पसलियां हैं, हाँ देखना ये पसलियां ही है पूरी, फेफड़े हाँ फेफड़े है ये, ठीक है, फेफड़े दिखाता हूँ मैं, और भी बहुत है, ठीक, ये भी पैरों की है, इस तरफ में मोटी वाली हाँ, ठीक है। ये जो हड्डी है ना, ये पैरों की है, ये जांग के नीचे की हड्डी हाँ, हाँ। ठीक है, और ये हड्डियाँ हैं, ये अपना जो जांग होती है उसके अंदर, ठीक है, ये हड्डियाँ हैं, और भाई साहब ये फेफड़े की हड्डी, ठीक है, ये देखो। अगर कोई माइका लाल बोल दे ना कि ये जानवर की हड्डियां हैं, ठीक है भाई साहब, तो भाई यूट्यूब पे काम करना बंद कर देंगे भाई, हम ऐसी लोकेशनों पे विजिट करना बंद कर देंगे। ये क्या है? ओ भाई रही भाई, जो अपन ने अंदाजा लगाया था ना, ठीक हाँ। है, वो तो निकल गया गलत, ठीक है। एक मिनट, आवाज देखो कैसी, बहुत बुरी रोने की आवाज आ रही है। रुक जाओ, जब पता ही लगा लिया ना तो फिर तो पूरा निकालेंगे इसको। मतलब ये स्कल्स, ठीक है, किसी इंसान का नहीं है, ठीक है,
और दोस्तों एज इट इज जो बोलते हैं ना कि यार ये जो चेहरा, ठीक है, मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ एक चीज, ठीक है, ये कोई जानवर नहीं है, आई थिंक उसको बोल सकते हैं कि मुर्दाखोर, ठीक है। मुर्दाखोर की पहचान कैसे कर सकते हैं अपन, मैं आपको मुर्दाखोर की पहचान कैसे कर सकते हैं आपको वो भी दिखा सकता हूँ मैं, ठीक है। उसकी भी एक खास तौर से पहचान होती है, लगातार कंटिन्यू आवाजें आ रही है, पर मैं आपको एक चीज पे नोटिस करवाऊंगा जो स्कल्स मिला चेहरे का, ठीक है। मैं खोद के निकाल रहा हूँ इन सब चीजों को, ठीक है, अभी भी भाई साहब, अभी भी खोद के और है ना, और मेरे को चीजें मिल सकती है, ठीक है। बहुत बुरी रोने की आवाज आ रही है रवि भाई, बहुत बुरी, ठीक है। अभी भी मैं आपको है ना एक चीज दिखा सकता हूँ, ठीक है, जिससे आप पता लगा सकते हो कि ये कोई मुर्दाखोर है, ये कोई इंसान है या कोई जानवर है, ठीक है। अमित भाई बताओ, करो गौर करो इस पे, ठीक है, आओ देखो, जो इसके दांतों का शेप है ना, ठीक है, दांतों का शेप है ना, हाँ, वो देखो आप, उसके अंदर दांतों के शेप में, दांतों के शेप के अंदर, ठीक है, एक मिनट, ओह बहुत गंदी स्मेल आई, दांतों के शेप के अंदर कोई भी दांत बड़ा नहीं है, जो अपने दांत होते हैं आई थिंक दाढ़ जिसको, हाँ, बोलते हैं, है ना, हाँ, बड़े हैं। वाले दांत, हाँ, ठीक है, उसके अंदर कोई भी दांत बड़ा नहीं है, सारे इक्वल है एकदम, ठीक है। और जो आगे के दांत है, आगे दांत गिर चुके हैं, जो यहाँ पर होते हैं ना गड्ढे के अंदर बीच में, हाँ, देखो अंगूठा है मेरा वहां पर, हाँ, ठीक है, वहां पर वो दांत गिर चुके हैं, वही दो दांत बड़े थे आई थिंक। और सींग देखना, एक मिनट रुक जाओ, ये सींग, ये कोई मुर्दाखोर जानवर है, ठीक है, उसी ये। भाई साहब उसी को दफन किया हुआ है यहाँ पर, अंदर और खुदाई करेंगे ना तो इसकी जो सारी है ना वो अपने को मिल जाएगी, पर अमित भाई यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से निकलना ही अपने लिए बेनिफिट है, इस तरफ में क्या है, यहाँ से निकल सकते हैं अपन, आओ देख, कोशिश करते हैं, आओ एक बार, भाई साहब हालत खराब हो चुकी है दोस्तों, ऐसी ऐसी जगह से निकल रहे हैं, और भाई साहब भाई साहब भाई साहब एक चीज मिली है, क्या? अंदर अंदर आने दो मेरे को, अभी भाई आराम से आना, चारों तरफ पत्थर निकले हुए हैं, एक जगह, ठीक है, ये जो चीज है ना आई थिंक भाई हथियार का हिस्सा है, हथियार का हिस्सा है, ठीक है ना, हाँ, गारू मा का कोई झांक रहा था, कुछ चीज गिरी है वहां से यार, ये एक हथियार का हिस्सा है भाई साहब, ऊपर उठते हैं, निकलते हैं बाहर की तरफ, है ना, बाहर की तरफ, भाई साहब ओ तेरी, कैमरा दे दो मेरे को, दे दो कैमरा, और अब निकलो बाहर, निकलो बाहर, निकलो आराम से, निकल लो, लाइट ले लो, अरे भाई उठो उठो उठो, हाथ दो हाथ दो, एक मिनट, हालत खराब हो गई होगी पीछे से तो, है ना, इसको छोड़ो इसको छोड़ो, यहाँ से अंदर आओ, कौन है, अमित भाई पीछे, ओ भाई रुको रुको रुको, जाओ मत जाओ मत, ऊपर आओ ऊपर आओ ऊपर आओ ऊपर आओ, ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं भाई साहब, चलो चलो
कैमरे की बहुत सारी दिक्कत हो रही है। कैमरा फोन संभालना, मेरे को तो लाइट संभालना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। कैमरा दो, कैमरा दो, चढ़ो ऊपर चढ़ो आराम से आराम से आराम से। ये टूट सकता है, रुको रुको मेरे को निकलने दो, ये नीचे जा सकता है आराम से आराम से। कौन है? वो देखो वो देखो भाई, कौन है आप? जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, फटाफट फटाफट।